देश के शहरी क्षेत्रों में अप्रैल जून तिमाही के दौरान बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई। नेशनल सैंपल सर्वे ब्यूरो यानी NSSO के ताज़ा आंकड़ों में ये दावा किया गया है। NSSO के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल जून में घटकर 6.6% हो गई, जबकि जनवरी मार्च 2023 में बेरोजगारी दर 6.8% रही। वहीं जुलाई सितंबर और अक्टूबर दिसंबर 2022 में 7.2% और अप्रैल जून 2022 में बेरोजगारी दर 7.6% थी। हालांकि पिछले साल अप्रैल जून में बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह कोविड-19 के कारण जारी प्रतिबंध भी थे। अगर 12 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बेरोजगारी दर 6 साल के निचले स्तर पर खिसक गई है। NSSO के अनुसार जुलाई 2022 से जून 2023 के दरमियान बेरोजगारी दर 3.2% रही है, जबकि 2021 से 22 में ये 4.1% पर थी। इसके पहले 2020 से 21 में 4.2%, 2019 से 20 में 4.8%, 2018 से 19 के दरमियान 5.8% और 2017 से 18 के बीच बेरोजगारी दर 6% थी। यानी इस बार बेरोजगारी दर 6 साल में सबसे कम रही है। अगर इसको गांव और शहरों में बांटकर देखा जाए तो साल 2017-18 के 5.3% के मुकाबले 2022-2023 में ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर 2.4% हो गई है, जबकि शहरों में ये 7.7% से घटकर 5.4% हो गई है। NSSO के डेटा से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार अप्रैल जून में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर भी अप्रैल जून 2022 के 9.5% से घटकर 9.1% हो गई है। वहीं शहरी पुरुषों की बेरोजगारी दर अप्रैल जून 2022 के 7.1% से घटकर 5.9% हो गई है। इसी तरह महिलाओं और पुरुषों की बेरोजगारी दर में भी 6 साल में काफी कमी आई है, जो पुरुषों के मामले में 6.1% से घटकर 3.3% पर आ गई, जबकि महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.6% से घटकर 2.9% हो गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए करंट वीकली सिचुएशन यानी CWS अप्रैल जून में बढ़कर 48.8% हो गई, जबकि अप्रैल जून 2022 में ये 47.5% थी। दरअसल किसी को बेरोजगार तब माना जाता है अगर उसने हफ्ते के दौरान किसी भी दिन 1 घंटे के लिए भी काम नहीं किया है। इस तरह से CWS 7 दिनों में बेरोजगार व्यक्तियों का औसत बताता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।